अरे वाह बारे नंदलाल जियो मालिक बहुत अच्छे वीरेंद्र बहुत अच्छे अच्छा साथियों बड़ी उम्मीद थी आपको और बड़ी चाह थी आपको इस मुकाबले की। हम गायक कलाकार राम निरम जाबाज टोपी वाला एंड पार्टी और हमारे मुकाबले में है ये कुमारी रजनी गंधा जी। मंच पे हमेशा मुकाबला आप लोग सुना करते थे। बड़ी आसीन कृपा हुई हमारे गार्जियनशिप में हम कलाकारों के आदर्श हमारे बड़े भैया श्री प्रकाश यादव मलदहिया वाराणसी की बड़ी आसीन कृपा हुई कि आपने आज कैसेट की दुनिया में और इस मुकाबले के दोनों कलाकारों के आपके बीच में उतार कर भेजा है। रिकॉर्डिंग डायरेक्टर महोदय बड़े भाई धनंजय जी का हम तहे दिल से हार्दिक नंदन बंदन स्वागत करते हैं। आइए लाल एक नया कांड एक नई प्रस्तुति आपके सामने प्रस्तुत है। भूमिका में कहना है तनी उठा के दलाल सपूत जवान के लिए शारलाइन कवि की कलम हुंकार भरते हुए आगे बढ़ती है मास्टर क्या कहना है उन सपूतों की होती शहीदों में गिनती देश सेवा में अर्पण किया जो जवानी रण में भेरी बजी आसमां हिल गया थर थराती धरा फटते सोली तूफानी दूध की नदी अलोह में रंजित हुई जब की घुस बैठी घुस कर किए भी सरदंगा वीरता का तमुलनाद घननाद बेचू रो पड़ी जब बिलख करके जमुना या गंगा बड़ी मिजाजदार कव्वाली लग गई। ए रजनी देखा राम गरम जाबाज टोपी वाला लोग कहलन तो कुछ हमार अलग पहचान जाबाज की कुछ अंदाज ही अलग हुआ करती है। जरा सा गौर करें डार्लिंग आपके लिए एक शायर है। शायर हिंदी पढ़िएगा क्यों उर्दू हमारे समझ में नहीं आवत थोड़ा समझा करें आप हमारे बड़े करीबी हैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट है मनोज बाबू शहर की लाइन है नंदलाल बाबू क्या कहना है ए रजनी जी के लिए शहर है क्या लाल मैं मांगता हूं क्या मांगते हैं हमारे पार्टी वाले हमारी टेरी न भरे अरे भैया यही का पैसा हमने के मिला ला ये सब हमारी आपसी बात है थोड़ा सैर पढ़ देने दीजिए ये रजनी जी के लिए मैं कह रहा हूँ मैं मांगता हूँ मैं मांगता हूँ तो ये नहीं देती है इनको दे देना चाहिए पहले सुनिए यहाँ सुनाइए मैं मांगता हूँ तो ये नहीं देती है जवाब मेरे सवाल का और देती है तो खड़ा हो जाता है यही गलत करता है जनाब
खड़ा नहीं होना चाहिए। सुनिए सुनिए, देती है तो खड़ा हो जाता है क्या? रोम रोम मेरे जज्बात का, दिल करता है क्या करता है, खामोश, दिल करता है कि पूरा डाल दूं। वाह, तो देर किस बात की, डाल दीजिए। दिल करता है कि पूरा डाल दूं बालों में गजरा गुलाब का, लेकिन डालते ही झर जाता है। हाँ, वो तो स्वाभाविक है, झरेगा। जानते हैं क्या झरेगा? क्या? डालते ही झर जाता है पत्ता पत्ता गुलाब का। लेकिन इस्लाम कहता है, मैडम सुनिए मेरी मोहतरमा जी, इस्लाम कहता है कि मकी से पहले, मका से पहले, जमी से पहले, जमा से पहले, सबसे पहले मोहम्मद साहब। कव्वाली की टुकड़ा है, कौन सी कव्वाली लाल? आओ एक मजहब की। बड़ा है यू बड़ा है यू शौक सब अल्लाह वालों का, मगर कुछ और मुतर जबा है जो हरा के लाल का। अल्लाह 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 बड़ा है यू शौक सब अल्लाह वालों का, मगर कुछ और मुतर जबा है जोहरा के लालों का, मगर कुछ और मुतर जबा है जोहरा के लालों का। लेकिन कव्वाली में इतभाव रहल, बिरहा में बड़ी बेजोड़ लाइन कभी लिखलन का लिखल मैटर अबा पूजा में दम है तो पंजा मिला कि अजमाली, अरे ईट से ईट बजा दूंगा तेरा अजमाली। ईट बजा दूंगा तेरा लिखवा ले, नंदलाल भी आवा। यही से कहानी की शुरुआत हो गई, तनी सा लाइन दे दे मास्टर। आ बेटा है भारत की मिट्टी सोना है, सजत जहां हरियाली, यह पीरों की महतारी, पीरों से नहीं है खाली। ए भैया, पीरों ने शहादत दी करी, आजाद वतन करवाया, आकर सीमा पर बैरी चुपके से शंख बजाया। कहानी लेवल कहां से गई, तनी सा गौर करिए बाबू, कहना हो कैसे बाबू।
कारगिल का देख तमाशा ले जोश जिगर तूफानी, हम हरती कभी न पीछे चाहे होती कुर्बानी। माता ने हमको पाली, छाती का दूध पिलाकर तुम हमें बनाओ फौजी बलिदानी पाठ पढ़ाकर। के कहत रहल 17-18 साल के खिलाड़ी का है, छात्र हो पढ़त हो लेकिन कलेजा में बड़ी जुनून हो। एक दिन घरे में बैठ के टीवी देखत रहल, एक के बाप का एकलौता बेटा है। अच्छा तई लड़का रहे वाला कहां का नाम बा केकर बेटा हूं। बिरा में तर्ज लगल नंदलाल बाबू कौन गीत बाप आए हाय 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 देखा ये रजनी। अरे मिललू रानी लेकिन बुढ़ौती में दायत मर्दवा बुढ़ापेन बनी बा। अभी तो जवानी हो जल्ला, अभी एक दो नहीं तीन तीन नंबर अंगूरी पर जवानी चढ़ाई ले। तई वीरेंद्र बताओ ना कि भैया कबो कबो हमरो घरे से ऐसा आवाज आवे ले, कैसा आवाज तन है देखा। जब तो हो जाइबा, अरे जब तो हो जाइबा राजा पूरा भी बन जिया हो कजरा नयान में रही, कजरा नयान में रही हमारा के का ले आइबा हो कजरा नयान में रही। मेहरारू कैसन जीव है प्रकाश भैया, के तनो सामान लेके दे दा तब वो कम में रहे। वाह काहे का बताई कि काहे विराम बड़ी बिजोर लाइन लिखल गई। तनी सब विराह के मूड में ही कैलाश एमन छेड़छाड़ मत करा। ये लड़का के तनी परिचय देखला जो ने लड़का के कलेजा में देशभक्ति की भावना हो। परिचय लेला बाबू कहना हो। एमपी जिला सिद्धि गांव अरे डढ़िया करत नम हो मानवा गलानी करेला, मानवा गलानी करेला पूछे अपने बाबू से बयानवा हो मानवा गलानी करेला। घरवा में टेलीविजन पर देखा था हिंदुस्तान पाकिस्तान का गदर युद्ध चला था। कौन युद्ध? कारगिल वाला। और हिंदुस्तान का जवान खड़ा हुए और पाकिस्तान वाला गोली मारत हो, जवानन का मौत होते लाश विमान सुन के घर पहुंचावल जाते। तब बाबू का नाम सच्चिदानंद, बेटवा का नाम सुधाकर सिंह। ए भैया जाए के बाबू समाज सेवी हुए और सुधाकर बेटवा सवाल किले। का सवाल किले बाबू? काहे पाकिस्तान हमसे अलड़ बार बार हो, हरदम मारल जाल हिंदुस्तानी है हमार हो। कहे हमके बना दा बाबू फौजी नौजवाना हो मनवा गलानी करेला, शीशी तपने लोहू से वतनवा हो मानवा गलानी करेला। कला ये बाबू हमके फौजी बना देता, चाहिए फौजी हो जाए देह परवर्दी स्टार हो जाए, चढ़ के पाकिस्तान के छाती पर झंडा गाड़े का काम करी। बाबू कहले ये बेटा एक लड़का हुआ पढ़ाई लिखा कहला, अब पढ़ लिख के डॉक्टर बन जा, मास्टर बन जा, ओसियर बन जा, इंजीनियर बन जा, लेकिन ये बेटा तो के फौजी ना बने दे। लड़का कहले फौजी ना बने दे बा, आज के बाद घरे में टीवी ना चले दे। आज टीवी टावा कुल फोरब। ए भैया गुस्सा में हो और गुस्सा में लाल हो। बाबू कलन के ठीक है बेटा, हम तो के फौजी ना बने दे चाहे जवान भी तू कर। उलट दलट टीवी गिर के टूट गई गुस्सा में हो,
गर्ल स्कूल में एक साल के बाद जबलपुर से एक भर्ती निकलल बाबू के चोरिए जाके भर्ती हो गई। अच्छा ते भैया लड़का जब भर्ती हो जाले तो दुआरी पर के आवे लगल है तिल कहरू बाबू के मना कैलस कि बाबू सुना हमार शादी ना हुई। कल काहे बेटा कल शादी जो लड़की से करवा भरल जवानी में राड हो जाई विधवा हो जाई तो हम शादी ना ही करब। ए भैया इतने में जो बार ट्रेनिंग पूरा कैले ट्रेनिंग पूरा कैके ड्यूटी कर लगल और धीरे धीरे चार साल का समय बीतल है। एक दिन सच्चिदानंद के दुआरी पर के आयल बिरह में तर्ज बड़ी रंगीन लगी। तर्ज कौन है नंदलाल बाबू ये पखाउच के गीत है कैसे लाल आए 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 रे एमन हुड़का बजाला वीरेंद्र बाबू हुड़का आगे चाकर होला पीछे चाकर बीच में पातर होला ये मृदंगी बजावे ना तनि सब वीरेंद्र बाबू लहा दे तलाल कैसे गावे ना तनि बजा दे बेटा छपरास्ता हरिया में अरे पिकला हो चरा खावा देवर मोरा जोगीर भैला चरखा मंगाई दा लहरदार देवर मोरे जोगीर भैले चरखा मंगाई दा लहरदार भैया ये तो गीत रहा लेकिन गौर करेंगे बाबूजी गाना में बड़ी बेजोड़ लाइन लिखल गई चार साल बीत गए लड़का के फौजी भैले आर्मी के जवान है ड्यूटी लगल है लेकिन और घरमा सच्चिदानंद के आयल लिखल गल कैसे लाल कुछ दिन बीतल सच्चिदा अरे नंद के भावा नावा फौजी जवान नावा हो जाइला फौजी जवानावा हो जाइला बिटिया कले के फरियाद फौजी जवानावा हो जाइला दरवाजे पर आई के फोर व्हीलर रुकल चार आदमी निकलन और एक जने देखा तो भैया देखा वो सच्चिदानंद हुए वह सच्चिदानंद हुए लड़का का बाप हुए अपन सारी बात उनसे कह दिया जाय के फौज से रिटायरमेंट जिनका नाम रहा जसवंत सिंह जाय के प्रणाम किलन कल आइए भैया आइए आइए अतिथि देवो भयो नहीं हो अतिथि देवो भव पहले दरवाजे पे लिखल जाता है आजकल दरवाजे पे का लिखल जाता कुत्तों से सावधान घरे में कुकुर है चाहे न रहे लेकिन ये लिखल जाता कहे आइए आपका स्वागत है ये भैया बुलाए के बैठे ना कहे की बेटी के बाप भी आओ सर का पगड़ी उठाए कोई दरवाजे पे उनके पैर पकड़े उलन कल के बाबू उठाए ला बिरादर ही बेटी के बाप है कहे बिरादर वह बाप बेटी का हुआ खाला नाश्ता कैला आराम कर बाद रास्ता पकड़ ला भैया तो के मालूम ना के मार बेटवा फौजी है कल भैया हम फौजे से रिटायरमेंट भैली एक कई बेटी है नाम दुर्गा है बेटी के बीए पढ़ौले है और वही बेटी का रिश्ता लेके आपके पास आयल है कलन के भैया हमार लड़का कहला कि जब ने लड़की से ब्याह करवा ए पापा वो बेटी भरल जवानी में विधवा हो जाये राड हो जाये तो कवन बाप होई हो जवन अपने बेटी के भरल जवानी में विधवा देखल चाहिए राड देखल चाहिए कल भैया तुहार लड़का ये कहला तो हमारो बेटी कहले अरे हमारे बिटिया का कहना
चाही सजना, लिखल करम में वो करे, लिखल करम में वो करे, फौजी सजनवा फौजी जवनवा हो जाइला। इसने तो दमादे चाहती कल ठीक बा, जब तुम्हारी इरादा है तो जा हम वचन देती तोरे बेटी से मेरे बेटा का शादी हुई, लेकिन एक साल के बाद हुई। अब इन तय गायब कहलन की पांच साल तक जो हो, लेकिन शादी करब तो अपने बेटी के तोहरे बेटा से। ये भैया एक साल बीतत बीतत जो छुट्टी लेके आये है, आओ पिताजी सामने बात रख लें, माई सामने बात रख ली, माई बाबू के बात मान गए लड़का और मल्ली के बात नहीं। भैया का भेल, शादी करे के तैयार हो गए। आ शादी करे के तैयार भेल है तो दस दिन के अंदर में लगन रखाई, शादी भेल, दुल्हन दुर्गा बन के आ गई फौजी के सेज पर, कटोरी में तेल लेके वही लगावत है। आ सुहाग रात है, एक पैर में लगाए भैली, दूसर का पैर में जब तेल लगाओ भैल तो झरझर झरझर आंख से दुल्ही रोत है, आंसू गिरत है। फौजिया कलश की काहे रोत हो, हम पसंद ना आई का कलश की नहीं सैया, तू तो पसंद हुआ कल, ये घर ना पसंद का कल, घर ही स्वर्ग ये स्वर्ग का देवता हुआ, अहम पुजारण है। कल की तुम माई बाबू ना पसंद हो का कल, माई बाबू दुल्हीन कलश की तीर्थ प्रयाग हो, तो कलश की तब काहे रोएल, कलश की सैया ही कलेजा में खिक कसी खा। सुहाग वाली सेज पर दुर्गा दुल्हन अपने फौजी दुल्हा से बतावत है, का बतुल नंदलाल बाबू आवलाल तक जिंदगी में बोलो, अरे जिंदगी में जहरवारी बलम जी सीमा पे देवेला पा, हरवारी बलम जी आई हम सुख कवि तुहारे जवानी के, कब तू रिटायर मिलती होबा हिंदुस्तानी के, पहरवा ये पलम जी। कलर रिटायरमेंट कहिया होगा, रिटायरमेंट का नाम सुनते फौजी भड़क गए। वीरेंद्र कलर रिटायरमेंट का नाम ले लू फौजी आई दुल्ही, फौजियन के कई रादा होला, गोलिया सन के चाहे गोलावा पनिया बरसा या पथरावा, पहरू पहरा पर खड़ा। हमारी रिटायरमेंट तब हुई जब सर
सरहद हिंद पर आखिरी सांस टूट जाई। आ एक सिपाही कही है वतन के प्रति वफादारी होले। आ तू रिटायरमेंट के बात कहलू दुल्हनिया गनगन गनगन कांपे लगे। कल आय रे मोरी बहनी ई तबड़ा तेज कुदत हमारे ना सखी लोग कहले की फौजिया जब गुस्सा ला तो भगवानों के भुला जाला। कालस की सैया आई एम सॉरी, मुझे माफ कीजिए, मुझे माफ कर दीजिए, आप आजीवन ड्यूटी करिए, मुझे मंजूर है। कल हाँ ई लाइन पर अलू हो तो कालस कभी रहा बाप न कल हाँ इवन घरे जो 20 दिन ड्यूटी है। घरे ड्यूटी हो नहीं हो छुट्टी है 20 दिन के। ये भैया ये 20 दिन के मिलन में फार्म भर गया। फार्म भर गया। एक रिजल्ट 9 महीना के बाद आउट हुई। ये कौन पढ़ाई होला भैया तुहार। जब शादी ब्याह हो जाये बढ़िया से मिलन जब होवे लगी तो हमसे पूछिया वीरेंद्र भाई कि भैया फार्म वाली पढ़ाई कौन है तब बता दे हम जल्ला। अब इन तोरे ना बुझा था ए भैया जवान 20 दिन छुट्टी बिता करके घरे जब गए तो समय कितना बीतल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 महीना बीतत बीतत घरवा दुल्हनिया का मन जोन हो पितराय लगल पंछियाए लगल। पंछियाए लगल क्योंकि पेट में गर्भ रह रोजे मोबाइल फोन से बात होखे उल्टी होए लगल हो मेरा उनके पेट में ना तो समझ में तरजनी से पूछ लिया। अब इन तेन कर भैया ना हो ही तेन के समझ में आई जाई। ये उल्टी करी है जल्ला ना। ए भैया गौर करी है आज जौन है 9 महीना बीतत बीतत दुर्गा दुल्हन के गर्भ से बड़ी सुंदर एक कन्या जन्म लेलस एक बेटी के जन्म भेल। मोबाइल फोन से दुल्हन फौजी के बतौले सरहदे हिंद पर कि सैया कहाँ हुआ घरवा बेटी जन्म ले पहले मिलल में लक्ष्मी आ गई। जवान सुधाकर बड़ी खुशी में हो बैरक में मिठाई बटवाओ था खुशी के ठिकाना ना हा। लेकिन दुल्हनिया पूछले के अबा कब कले परल के कहे कले सैया हो बहु आप के परले है कले के ठीक है तो अगले हफ्ता में आ जा। ए बाबू अगला हफ्ता करत कर धीरे धीरे 4 महीना बीतल लेकिन छुट्टी ना मिलल। छुट्टी मंजूर होगी कल घरे जाए लेकिन मेजर कहा कि जवान आज एक ड्यूटी कर लो। जवान जब आज ड्यूटी कर चल रहा तब बिरह में मास्टर हिम्मत तर्ज लग गई। कौन तर्ज लाल आवा तक बारे बेचू कभी एक गीत के गजब लिखलन कौन गीत लाल आवा नंदलाल बाबू तोहरे जन्म के पहले कहे तो ये कैसे जनना इनके वीरेंद्र बतौले आवा तक अरे नरई ताल के चिकन मटिया अरे नरई ताल के चिकन मटिया जहां बस पर्वत पहाड़ गोरिया लेकिन गौर करेंगे बाबूजी लोग जवान आज आखिरी ड्यूटी कर रहा है सरहद हिंद पे कल छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ये भैया सरहद का मतलब समझत हुआ जहाँ बॉर्डर है ओ तरफ पाकिस्तान ए तरफ हिंदुस्तान बीच में कटबंधा लगल है और कटबंधा के बीच में एक सर्च लाइट हमेशा नाचत रहे। अगर चींटी भी पाकिस्तान से हिंदुस्तान में क्रॉस करी तो चींटी भी नजर आई। लेकिन ये बाबू आज कटबंधा जोन है वो सर्च लाइट जोन है चिराग से भी कम जलत है। भैया अरे भैया इतनी बरियार कुहेस रहल कुहिरा रहल वही का प्रकोप रहल। लेकिन वही का प्रकोप वही का फायदा के उठौलस पाकिस्तान वाला तब लिखल गल का लिखल गल मास्टर अरे बुझा दर्द ना बेदर्दी के सैया अरे बुझा दर्द ना बेदर्दी के सैया दिलवा के कैले कठोर पतिया
काट के गठबंधन पाकिस्तान वाला आठ की संख्या में हिंदुस्तान में प्रवेश कर गए और चार जवान एक पर और चार जवान एक पर हमारे देश के दो जवान हेमराज यादव शेरगढ़ मथुरा करने वाला और सुधाकर सिंह डढ़िया मध्य प्रदेश के रहे वाला सिद्धि का ये दोनों जवान पहरा देते मुस्तैदी से बाबूजी। लेकिन यही बीच में जब आठ मिला घुसला सोन पकड़ के पीछे उल्टा मुसू चढ़ाई के कटबंधा जहां से कट लेना लेके पाकिस्तान की सरहद पर जब गई तब कभी लिख ले नंदलाल का लिख ले बाबू ए भैया हाथ में जंजीर और पांव में बेड़ी लगा करके जवानों के कोड़ा मार रहे हैं सब। लेकिन जवान आवाज देते हैं केरे पापी पाकिस्तान वाले कमीने क्या बोला एक बार भी तो पूछ लिया होता धोखे से हमें पकड़ लाया और हरामजादे कोड़े मार रहा है। पकड़ लाने का मकसद क्या है, कोड़ा मारने का मकसद क्या है? अरे बाबू जब इतना कहना सो तो पाकिस्तान के जरलाट टाइप का है, हाथ में तलवार ले बड़ी बड़ी आंखें हैं, कहा के हिंदुस्तान के जाबाज जवानों अपने आप को जाबाज बनता है, ये मेरी तलवार देख ले। मारने का एक ही मकसद है पकड़ने का, हिंदुस्तान के खुफिया एजेंसी का ठिकाना बता दे भाई इज्जत छोड़ दूंगा। आज ठिकाना का नाम जवान सुन ले पंचो, तब नंदलाल गरज के जवान की बात कहे बिरहा चढ़ गए पर्दा लाल देता अरे चुकई मैं भारत मां के करजा माथे बांध के सरिया मऊ से हाथ मिली माथे बांध के सरिया मौत से हाथ मिलेबे चुकेबे भारत माँ का कर्जा। इतना जवान जब ललकार के कहले बाबूजी, लेकिन पाकिस्तान वाला कोड़ा मार रहा हूँ। आज जब कोड़ा मारत हो सो मारत मारत बदन को वर्दी जमानन के फार दले बाबू, तब कभी के लिखे पड़ा नंदलाल बाबू कैसे लाल बस 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 भैया कैला राम यहाँ मारत हो कोड़ा कोनो रहम ना करत हुए ये पपिया पाकिस्तान वाला करत कहो बाबू लोभा के कारण लोभी बनल दुश्मन अरे बनल दुश्मन मार पपिया को कोड़ा मार मार जब हैरान हो गया तो उसी तलवार को लेकर के हेमराज यादव के पास पहुंचा, कहा कि देखा रे इस तलवार को देख रहा है, खुफिया एजेंसी का ठिकाना बता दे वरना हम टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे। लेकिन बाबूजी हेमराज यादव ललकार मारते हुए दहाड़ मारते हुए कहता है हरामजादे टुकड़ा टुकड़ा कर दे मुझे गम नहीं है और वतन के प्रति कलेजे में हिम्मत कम नहीं है। बाबूजी नतीजा का भल तर ई देखे कैला राम नहीं भाजू आला गाई जहला आला एक बार मरलस खच से
हे महाराज यादव का एक बाह कट गई बाबूजी, और एक बाह जब कटल सामने बधा हुआ, सुधाकर सिंह देख रहा था कि हमारे भाई का, हमारे मित्र का, हमारे सिपाही का एक बाजू काट लिया यह कमीना पाकिस्तान वाला। वही खूनी तलवार लेकर के पाकिस्तान वाला बाबूजी पहुंचा सुधाकर सिंह के पास, कहा कि देखा रे, ये जो तेरा मित्र था, तेरा सिपाही भाई था ना, मुझे नहीं ठिकाना बता रहा था, तू बताएगा कि नहीं बताएगा? कहा कि चाचा मैं तो बताऊंगा, मेरे करीब आओ। आज जब करीब आयल बाबूजी तो मालूम है का भेल, दोनों हाथ बनल है, पैर बनल है, खुलल का रहल, जवान का मुंह आ मुंह में फेन भरल है, बनाई कोई दाढ़ी मुंह पर एकाएक थूकलस थू। कमीने पता जानना चाहता है, ये ले पता मैं बता रहा हूँ। कहा कि साला हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को तूने नापाक कर दिया, इसका मजा मैं तुझे चखाऊंगा। तो ए बाबू कहा के लिए तने ई देखे कैला राम नहीं मूड़ी आला जाई जहले मूड़ी आला जाई छतिया में भोकल तलवार ले होरा। बाबूजी लोग खच से मरल सुधाकर कमूड़ी कटके धरती पर फुटबॉल जैसा नाचे लगल, और वही तलवार लेकर के फिर हेमराज यादव के पास पहुंचा, कहा कि देखा रे तुम्हारा जो साथी सिपाही था ना, साला हमारे मुंह पर थूक दिया, मैंने उसका सर ही धड़ से अलग कर दिया, अब तू पता बतलाएगा कि नहीं बतलाएगा? कहा हेमराज यादव की कमीने, मेरे एक बाजू को तो काट लिया और एक बाजू बंधा है, जंजीर लगी है, अगर इसे छोड़ देगा तो हम तुझे चीर देंगे। कमीने पता की बात करता है, जब तक हिम्मत है, बॉडी के अंदर कलेजा है, तब तक हम पता नहीं बतलाने वाला। उठाए को तलवरिया बाबूजी, आज हेमराज यादव के भूखे खींच दहलस कलेजा फेफड़ा तड़ी बाहर, दोनों जवानों का बाबूजी कलेजा तड़ी फेफड़ा बाहर करके, दोनों जवानों के कलेजे पे एक एक बम जिंदा रख करके सी करके, और दोनों जवानों के एक एक बाजू काट लिया और मुड़ी काट लिया, सर काट करके पाकिस्तान में रख लिया, और धड़ अधकटी लाश दोनों जवानों को हिंदुस्तान के सरहद पे फेंक दिया। और इधर इधर जवान हिंदुस्तान के 3 दिन से खोजत हूं, खोजबीन जारी है, खोजत खोजत आज जवान हो, 2 अटकटी लाश मिली, कैंपस मिले गए, और कैंपस मिले जाकर के बाबूजी दोनों जवानों के घर मोबाइल फोन से मेजर संपर्क करता है, पहली घंटी कहां बजल, सुधाकर सिंह के आंगन में जाकर के मोबाइल सेट रखल, वही सेट पर घंटी बजत है, रिंग टोन बजे लगल, बाबूजी दिल दिया है जान भी दूंगा ऐ वतन तेरे लिए, हर कर्म अपना करूंगा ऐ वतन तेरे लिए। दुल्हन दुर्गा 4 महीना के नन्ना मुन्ना बेटी के लेके, नन्नी मुन्नी बिटिया के मीसा तली छोड़ के आजा के फट से मोबाइल फोन रिसीव करनी, बहुत खुशी में कि वो नहीं होबे करी, कल है आवे करना है, 8 दिन पहलवा आवे करना है, कल हो ना आईले तो आज नहीं कोई। हेलो रिसीव कही के मोबाइल फोन करी के, हेलो कौन बोल रहे हैं? मेजर उधर से आवाज दिया, क्या यह फोन फौजी सुधाकर के घर लगा है? जी सर, आप क्या फौजी सुधाकर की बीबी बोल रही हूँ? हाँ जी सर, मैं उनकी बीबी बोल रही हूँ, आप कौन? कहा कि मैं मेजर बोल रहा हूँ सुधाकर का। अच्छा सर प्रणाम, वो नहीं है क्या? नहीं वो हैं तैयार हो रहे हैं, उनकी छुट्टी मंजूर हो गई है, आज वो घर जाएंगे। उनके पिताजी नहीं है क्या? हैं सर, बात करा दूं? कल हाँ बात करा दीजिए। दुल्हन कलश के सर बने रहिएगा, फोन काटिएगा मत। दौड़ते हुए गई दरवाजे पर, कही कि पिताजी पिताजी आ बच्ची का पापा आवत हुए, उनकर मेजर फोन के लिए हुए। उठाए के बुढ़वा बाप सच्चिदानंद कान तर लगाए कि मोबाइल कले के, हेलो के साहब, क्या आप हमारे बेटे सुधाकर का मेजर बोल रहे हैं? जी 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 पापा, मैं आपके बेटे सुधाकर का मेजर बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा साहब प्रणाम, हमार बचवा सुधाकर ना हो का? कलन की नहीं हुए, छुट्टी मंजूर हो गल, आज आपका बेटा है आपके घरे जी है, लेकिन बाबूजी अफसोस। बुढ़वा बाप के छाती धड़क गई, बाबूजी कि हमार बेटा आवत हुए
तो अफसोस कोने बात कहा, कलम की बाबूजी आपके बेटा आपके घर जी हैं, सब लोग उनके दिखी हैं, लेकिन आपका बेटा कोई किना दिखी है। सब लोग उनसे बोली लेकिन आपका बेटा कोई सुना बोली है। अरे बाप रे बाप, इतना सुना सुना तब बुढ़वा बाप का छाती धड़क गई, फेंका गिले हो बाबू आज फेंका गिले, हाय हाय मचगल, समझ गिले कोलाहल मचगल नगरी में कि फलाने के कई बेटा और सच्चिदानंद के कई बेटावा सुधाकर शहीद हो गल। लेकिन यहर बैरक में, यहर बैरक में जवानन के देठ बादी घरे भेजे का तैयारी होते नंदलाल बाबू कैसे लाल आबा। विमान के द्वारा एयरपोर्ट पे और एयरपोर्ट से मिलिट्री के गाड़ी के द्वारा डढ़िया गांव में पहुंचल। बड़ा हुजूम है, जनपद के आला आला अधिकारी हैं, दरवाजे पर सच्चिदानंद के ताबूत रखल गल। लोगों ने कहा कि बुलाइए सच्चिदानंद कहाँ है, इसे रिसीव कर ले। बुलावल गिलन हाथ में डंडा ले ले बुढ़वा बाप का कमर टूट चुकल ही बाबू, आय के खड़ा भी कलन के का साहेब कहा बचल का है आप लोग बलूला जा हाथ जोड़ के। हमरे लाल के कोने वर्दी मिली हुआ जा बाबू जी, तन सा वर्दिया हमरे लाल के दिखा देता जा। ए भैया जब इतना कलन है ना, ताबूत खुलल गल जब अंदर का सीन देखल पिताजी तब उमरल दिल में ममता का सागर वस्त्र रवा भारत का के बुढ़वा बाप धा से फेंकिले कलन लाए हो लाल बुढ़ौती तो बिगाड़ दिले रे सुधाकर। यह कहत हाय के गिरलन आज पीछे नजर गई तो का देखल बाबू, उमड़ल दिल में ममता का सगरावा सेरवा भारत का, धोवा तो देखल बहुअर का सिन्हुरवा सेरवा भारत का। सुहाग वाली चूड़ी लड़ाई के दीवाल में तोड़ल जाते, कल तक सुहागी रहल दुर्गा आज अभागिन हो गिल हो भैया, मांगी का सेनू धोवात रहल। लेकिन लोग आपस में यह बतियावत हो कि पाकिस्तान के सन्ना करे चाहिए, चार महीना का दुदमुही बेटी के लेके अभागिन दुर्गा विधवा के भेष में आए भैया, आचल मिले कि बिटिया को ही ताबूत की ओर बढ़त थे और कभी लिखत हुआ कैसे बाबू आवा नंदलाल। झरे झरे असिया बहाये हिंदुस्तान, yeah।
अपन मुसलमान लेकिन खुद नहीं माया। लोग यही बात कर रहे हैं कि हम नहीं मानते कि तुम सच्चे मुसलमान हो। यह लोग धिक्कारत हो पाकिस्तान के, लेकिन लेके आंचल में बेटी के जौन हो ताबूत के पास पहुंचल ममता ना मानत है बाबू। तब तवा खोले लगली कि खोल के अपने सैया के सूरतिया अपने बेटी से मिला दे। दो जाने जाके रोक दिलन कलन की ना बेटी दुर्गा ना बहू ना अभी ताबूत मत खोला बेटी ताबूत मत खोला। आज जब लोग रोक दिले तब कहलस कि कल सुहागे रहली तो पूरा अधिकार रहल ये हमार रहलन। आज अभागिन हो गई तो इतना बड़ा अधिकार नहीं है कि हम इनकर चेहरो ना देख सकीला। तब रोए लगल ये बाबू का रोए के दुलहिन अभागिन दुर्गा कहलस। रोवा दुर्गा देवी लेके गोदी में छोटारी हम कौन डारी अलग बसरी में अरे गोदिया में हमारा नहीं जन्म सुदाना पाल के बनाई दे फौजी ना जवान कहले ये साहेब आज देखे से भी आप लोग वंचित कर देला ना। एकर एक वजह कि बेटी जन्म गई। अगर बेटी के जन्म ये साहब बेटा रह बेटी के जगह पर तब मालूम है का करी रोई इतना हम रोई इतना ये साहेब एक पाल के फौजी जवान बनाई भेज दही लड़े बदे वही सीमा पर अगिया लगवाई के फूकवाई पाकिस्तान। लेकिन अफसोस है कि बेटी है। इतने में बाबूजी भीड़ के चीरत पीछे से एक आवाज आई कि ना 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 बेटी रोना मत बेटी मैं आ गया हूँ रे बेटा मैं आ गया हूँ। अच्छा रहल के दुर्गा अभागिन के बाप फौज से रिटायरमेंट जसवंत सिंह सामने जब अलन देखलस तो कलस की पापा आगिला पापा बहुत बढ़िया कहला ये पापा तने सा चेहरावा दिखा दे पापा। कलन बेटी हिम्मत मत हारे अरे अमर हो गए रे बेटी इतिहास के पन्ना में नाम लिखल जाई इनके नाम से पुल बनी स्कूल बनी रोड बनी ये बिटिया चौराहे पर मूर्ति बड़ी आलिशान लगी कलश की बा पापा बा रोड पर तुहार बेटी चल रही है पापा स्कूल में तुहारी नतनी पढ़ रही है पापा काओ जौन चौराहा पर मूर्तिया लगी ये पापा का मूर्ति तुहरे बेटी से बतिया ली यही का जवाब दे दा पापा कलन की ना बेटी बतियाई था ना लेकिन एक अमर कहानी हो गई अमर कहानी हो गई। खानदान का मान पूरे आवाम का सम्मान बढ़ा करके गए इतिहास के पन्ना में नाम होगा बेटी इतिहास के पन्ना में। कलश की पापा ठीक है तने सचे हर बात दिखा दा खोल के जो ही ताबूत ऊपर कैला अंदरवा झकलस तिरंगा कफन में सजल बाड़ी अपने स्वामी के देखलस कले से पापा तने सचे हर बात दिखा दा चेहरवा दिखा दा बड़ा चैन से सूतल हूँ पापा बहुत चैन से सूतल हूँ दुनिया में तोरे बेटी के कोई हो ना। आँख कयास झुराए के बुढ़िया सास के कब दम तोड़ दही बुढ़ावा बाप की कमर टूट गल लेकिन हम अभागिन कहाँ के भेली
जो ही सर के तरफ पकड़ करके फौज रिटायरमेंट दुर्गा बेटी के बाप वो तिरंगा कफन खींचलन हा बिटिया जब अंदर का सीन देखले पंचो तक गिजर के फेंका गई काहे काहे ओ मन चेहरवा ना है चेहरवा का मतलब कि सर नहीं है सर और एक बाजू पाकिस्तान वाला रख ले लस काट करके और जब सर नहीं है तो चेहरा नहीं है यही से लोग नहीं दिखाता आज वो बेटी अपने बाप से वो डेठ पाड़ी के देख करके सवाल करते नंदलाल बाबू का सवाल के लाल अपने देश खंग तेरे मुड़ी जे कटाई बाबू जी ओकर नाम इतिहास में लिखाई बाबू जी तोके फौजी दमाद चाहता न आपन वाला कैला न बड़ा मना कैली पापा कि फौजी दमाद से ब्याह मत करिया फौजी जवान से ब्याह मत करिया लेकिन तू फौज से रिटायरमेंट रहला तोके फौजी दमाद चाहत रहल न अच्छा है पापा एक बात का जवाब देबा ए भैया चाहे हमार बेटी हो चाहे सकल समाज के बेटी हो अगर एक बेटी अपने बाप से ई जवाब मांगे तो बाप का पत्थर का चट्टान जैसन कलेजा हुई तब वो टूट के शीशा के दीवार की तरह बिखर जाई काओ बेटी कहला बाबू देहाला विधावन आज जवाने में बनाई बाबू जी ओकर नाम इतिहास में लिखाई बाबू जी आप इस कहानी को पेपर में पढ़े होंगे टेलीविजन पर देखे होंगे आज बिरहा के मुकाबला में सुन रहे हैं बड़े भैया प्रकाश जी के आशीर्वाद से और हम गा करके आपको इस बिरहा की सीडी और ऑडियो कैसेट आपके बीच में छोड़े हैं तो गुरुदीन मोहम्मद राम सुनक सिंह शिवदन की बानी कथन करे भरीदार संगम बिका बेसु गया भारत मां का कर जाए मनोज राम जन्म दुश्मन का सबक सिखाई दे अपने मासुका बदे गावत बा का गावत बा जब से नए ना लड़ल बात आगे बढ़ल सुन ला जवाब जब से नए ना लड़ल बात आगे बढ़ल रोज अखिया लगे लागिनती जारी में हो दिल भाग दीवाना तोरा प्यार में
बतावे जवाजी लाइन तोरे पर एकदम शूट करो थो करी ले शुक्रिया हम ओह भगवान के तोह के बनवले पाड़े कमर माटी सान के तोह के बनवले पाड़े कमर पेंट सान के तन्ना बखानी लग परियनी के रानी ओ जियो रूप का तन्ना बखानी लग परियनी के रानी तोहर जोड़ी नहीं खेत करो जहार में हो दिली भाई दीवाना तोरा प्यारी में अच्छा बाबूजी आप लोगों के बीच में एक तरह के कैसेट जो आप लोगों के मांग पर हम दो कलाकार आप लोगों के बीच में ये मुकाबला कैसेट छोड़ते ही जोना में ब्रह के बहुत सुंदर कलाकार सुपरहिट कलाकार राम जन्म जबाद जी और हम गायिका रजनीगंधा प्रकाश भैया के देख रेख में आप लोगों के बीच में ये कैसेट जात बा आई हमारे श्रोता भाई लोग बाबू भैया लोगों के मांग पर ही आप लोगों के बीच में हम कैसेट गावो थे देखा जब आज आज तो तोके गवैया से पाला पड़ल है आज के बाद तोहे पता चल जी कि बिरह का होला आज तो तोके वैसन पीसम न मैदा से मेन हो जीबा सही कहत हुआ आवा आवा देखा तोरे पर हम चढ़े जाते आवा मास्टर बड़ा बड़ा कैसेट आप लोगों के बीच में जाला कलाकार गावेलन लेकिन जो ने ई कांड आप लोगों के बीच में गावे जात बानी ऐसन कहानी बहुत कम और शायद सुने के मिलल हुई हमें पूरी उम्मीद है विश्वास कि मंच से लेके और कैसेट तक आप लोगों प्यार दुलार हमें देले हुन तो अपन आशीर्वाद हमें जरूर दिहन आप लोगों से यह हमारा निवेदन हो चार दिन गाना के अंदर भाव मास्टर लिखे के पड़ल का मानो हो तो मनोता की खुशबू बिछा दो जला दो मोहब्बत की दुनिया में ज्योति भाई हो तो भरत राम जैसा बनो तुम चमकते रहो बन के हीरा मोती स्वच्छ हो तो बनो गंगा जमुना की धारा जिसका गुणगान गाता रहेगा जमाना वीर हो तो भगत शेखर उधम बनो जो वतन के लिए खाक हो गए दीवाना बिरह में एक लाइन कवाली का टुकड़ा है इन नई कवाली है यही बिरह से एक गीत के हम शुरुआत करते हैं कौन गीत है मास्टर कौनो प्रेमी अप्रेम प्रेमिका के समझावे तू बहुत सुंदर हो जमाना बड़ा खराब है ये जितना सिंगार कैले हुए में से कुछ कम करा लड़की भी बहुत जिद्द टाइप के है कहे जमाना खराब हो चाहे जमाने के लोग खराब हो का दुनिया के डर से हम अपन सिंगार कम कर दी लड़का कहे कम मत करे ही तरह लगाओ लगा के 10-20 जन के मुआ
उ लड़का बतावो थे का। अरे लड़के है मुहल्ले के, अरे लड़के है मुहल्ले के शैतान मेरी महिला, लड़के है मुहल्ले के शैतान मेरी लैला, लड़के है मुहल्ले के, लड़के है मुहल्ले के शैतान मेरी लैला। तू इनसे है बचा, तू इनसे है बचा, तू इनसे है बचा अपनी दुकान मेरी लैला, तू इनसे है बचा। बहुत अच्छे, अरे जिया बहादुर। लेकिन पिराह में कभी जी भाव निकलम, ए लाइन में पीरन के प्रति एक चेतावनी है, आखिर पीर होके के चाहिए, कैसन होके के चाहिए। अरे लड़ते पानी पे, अरे लड़ते पानी पे पीरो की औलाद मेरे नागर, जिया लड़ते पानी पे पीरो की औलाद मेरे नागर। कुर्बान होते, कुर्बान होते सोन पे फौलाद मेरे नाहर। बिरहा के कहानी बाबूजी यही से हमार शुरुआत हो गई। आखिरी कहानी कहाँ के लिखल है, कड़ी के अंदर भाव है मास्टर। मगरूर बन के पगले क्यों करते हो नादानी, कांटों में पला करती है फूलों की जवानी। खुदा का घर मनाओ तयोरी अच्छाई में, जीत की ज्योति ली करती सुनो सच्चाई में। कभी की कलम उतर गई इस नादानी पे, बिरह की वेदना और दर्द ली कहानी पे। माई कुंती बदनसीब वो या भागन थी, सिंदूर उजड़ गया था नहीं वो सोहागन थी। बेटा गोदी में एक राजू और राम रहा, जिला पिथौरागढ़ अहिरौली में मां काम रहा। काट कर लकड़ी उस बच्चों को वो जिलाती थी, काट कर लकड़ी उस बच्चों को वो जिलाती थी, काट कर लकड़ी उस बच्चों को वो जिलाती थी, काट कर लकड़ी उस बच्चों को वो जिलाती थी, उसी से भोजन अपने पेट की चलाती थी। आए हाय बाबूजी, एक कहानी की आप लोगों ने समझ ली। जिला पिथौरागढ़ अहिरौली गांव के रहे वाली एक बुढ़िया माई, आय हाय बाबूजी, मांग के सिंदूर उजड़ गिल बा, भगवान दूठे बेटवा देले हुन। बड़का लड़का के नाम हराम, छोटका बेटवा के नाम हराजू। आय हाय बाबूजी, केहू तरह गरीबी में माई अपन जिंदगी बितावत है, दिन भर जाके आन के दरवाजे पर चौका बर्तन कर भीख मांगा। इतना ही नहीं बाबूजी, इतना सब कुछ कैले के बावजूद में
शाम के खात और सवेरे ना, सवेरे खात और शाम के ना, बुढ़िया माई अपने बेटवा राजू से कलश की ए लाल बड़का भैया के स्कूल में नाम लिखा देता तो हर भैया पढ़ी तो हम रुपया कमा के देती। बाहरे वो माँ दोनों बचवन के जी आवे बदे जंगल में जात बाड़ी लकड़ी काटत बाड़ी, लकड़ी काट काट के बाजार में बेचत थी हो भैया। आज जब बाजार में बेच के जवन पैसा मिलत बा बड़का बेटवा राम के पढ़ावत है आए हाय। आज जब राम के पढ़ावे लगली तब हिल का बिरहम एक लाइन तरज है मास्टर, क्या बात है, बहुत अच्छे। अरे जिया बारे राजेश भैया ये दरज के नमूना बा, कौनो दुलही के दुल्हा बम्बई हूँ। आजकल घर वाली तो रहते हैं लेकिन अक्सर बाहर वाली हो जाते हैं। स्टेपनी के क्या कहल जला? पंचर पर काम देला। अच्छा ऐसन भी व्यवस्था लेके तू चलत हुआ का? नहीं ऐसे बता देली हाँ। वो दुलही बतावत बेका सैया काहे कैला हमारा पेय फतिया हो, ए सैया काहे कैला हमारा पेय फतिया हो, सवतिया लिया के घरवा बाहरे उमाई माई के करज धरती पर दुनिया में कोई ना उतार सकेला। ए बाबू उमाई कैले भी आए अपने बेटवन खातिर हो का कैलस मास्टर? माई लकड़ी पे चलिया वे रुपया हो कि माई, अरे लकड़ी पे चलिया वे रुपया हो, पढ़ैया करावे जनन आए। हाय बाबूजी आपे लोगन बतावेला कि भगवान के घर में देर होला लेकिन अंधेर ना होला। बारी ओ माँ वही गरीबी में अपने लाल के बनौले बाड़ी, का बनौली? पढ़ लिख के राम बड़ा डॉक्टर बन गईले, ब्यूटीफुल बंदन से शादिया अपन कईले, वो कारे लगला कानपुर में दवैया रा, वो कारे लगला कानपुर में दवैया हो, पढ़ैया करावे जननी। माई जंगल से लकड़ी काट काट के ये भैया बेच के अपने बेटवा के पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना देली। कानपुर में जाके राम छोटा मोटा डॉक्टरी खोल के रहे लगलन, धीरे धीरे चर्चा के शोहरत बन गई, नाम हो गई कानपुर शहर में। अपन मकान किन लेलन, अपने मकान में फर्स्ट क्लास के डॉक्टरी खोल देलन। आय हाय बाबूजी राम अपन दिन बितावत हुवन। एक पटना शहर के रहने वाली लड़की जिसका नाम बताया गया वंदना, ठीक उनके हॉस्पिटल के सामने अपना रूम लेकर पढ़ाई पूरा कर रही थी बाबू। आराम में और वंदना में नैनचार हो गई, मतलब प्यार हो गई, मतलब के बाद उपेंद्र से पूछल गई दोनों लोगन में जब नैनचार भइल प्यार के शुरुआत भइल तो वंदना कहती है कि नहीं डॉक्टर बाबू
छुप छुप के मिलल ठीक ना हो। कल तो हमसे मंदिर में मिले पे दयावा, हमारे दिल में जोन अरमान है बात हो तो से कहल चाहती। भगवान के मंदिर में बुलाती है, कहती है कि भगवान के सामने झूठ मत बोली है, ये बतावा कि तोरे परिवार में के हो। राम कहता है कि अरे बंदना तो से झूठ काहे बदे बोलब, ए धरती पर दुनिया में हमर कोई ना है, ना हमर बाबू ना माई ना भाई, हम अकेला है। आए अकेलापन में अगर तोहार संग मिल जाते बंदना तो हमार जिंदगी पार लग जाती। बंदना रोने लगती है, कहती है ए डॉक्टर बाबू जब तोहार कोई नहीं खेते दुनिया में हमरो कोई ना है। बाबू माई बचपने पर छोड़ के मर गिलन, चाचा चाची के कपार पर हमार बोझ हो, चाचा चाची हमार पढ़ाई पूरा करावेलन। भगवान के साक्षी मान के मांग में सिंदूर डाल के शादी कर लिया बाबू। आय हाय बाहरे राम मेहरारू जब मिलल हो भैया, शोहरत हो गिल रुपया हो गिल, देखा हो जवन माई 9 महीना ढोवलस अस्तन के दूध पियवलस, वो माई के बुला गिल कि माई हमरे बदे का कैले बे। आय हाय राम बोल गया माई गरीबी में जिंदगी बितावत में। छोटका लड़का कहे कि माई, राजू कहता है कि माँ अब तू आराम कर, जंगल से लकड़ी काट काट के हम ले आई, हम तो हर पेट के भोजन चलाई। आय हाय बाबूजी, माँ कहती है कि नहीं रे राजू, राम से हमारे ये उम्मीद नहीं था, लेकिन बाहरे राम तू हमारे संगे का कैला वो लाल। वो बुढ़िया माई अपने मड़ई में रोवत में और रो के एक ही बात कहलस, एक लाइन गीत है मास्टर, ये दर्ज हो एक गीत के बड़ा प्यार से लोग गावेला, का गावेला, हम तो हसे पूछिला मालिन ए मालिन, हम तो हसे पूछिला मालिन ए मालिन, कहवा लगवल अति डरा ए मालिन हो। आय हाय ई तो तरज है भैया, लेकिन देखा हो माई बुढ़िया रोवत में आ रो रो के ये कहत में का कहलस, तोहरे रोशनिया खातिर अरे भाई ने जोगिनिया हो, तोहरे रोशनिया खातिर भाई ने जोगिनिया हो, कहे दिहला हम ए बिसा रागी ए लाला ना हो, कहे दिहला हम के कहती है कि अरे राम वही गोश से तोहके भी पैदा कैले रही, राजू के भी पैदा कैले रही, लेकिन अपने बेटवा राजू के कब प्यार से कुछ खियोनी ना, लकड़ी बेच के ले आई यही आंचल में चोरा के ले आके तोहके खियोनी, दोनों के न माई रहनी, लेकिन एक माँ एक बेटा के सौतेली माई के प्यार हम देनी। राजू कहत बाकी ना ए माई, ये हम ना कहत बानी कि हम के कम मन लू भैया के ज्यादा मन लू, लेकिन ए माई तोहार आशीर्वाद रही तो राजू कुछ करके देखाई। लगल राजू पढ़े भैया बाबून के हेल्प पा के लगल पढ़े, दौड़ धूप के लगल रियाज करे, आखिर में राजू भइल का भइल, पढ़ लिख के राजू भैया, अरे पढ़ लिख के राजू भैया फौज में बहाली भइल, पढ़ लिख के राजू भैया फौज में बहाली भइलन, कैसे जी हाँ तोहर अबिन मा तारी ए लाला ना हो, कैसे जी हाँ तोहर अबिन मा
छे। अरे जियो बाबूजी, वही गरीबी में बुढ़िया माई पढ़ा लिखा के अपने बेटवा के राजू के फौज में भर्ती कर देली। आज जब राजू फौज में भर्ती भइल, ट्रेनिंग पूरा करके आइल हुन घर पर, कलन की माई तोहरे आशीर्वाद से बड़का भैया डॉक्टर हो गेलन और हमार फौज में ड्यूटी लग गिल। ए माई, अब कुछ दिन खातिर तो से हम दूर हो खा। माई कुछ दिन के बाद अपन ड्यूटी पूरा करके वापस तोहरे संगे रहब। माई कहली कि अरे लाल, ए बात के तो खुशी आई है कि तू फौज में हो गेला देश के सेवा करबा, लेकिन डर एक के बात के लगत बा ए लाल कि जैसे बड़का भैया राम डॉक्टर बन के भूला गई, अरे तू जाके ओने नाना भूला जी मेरे पगला, ना तो हम तो मरी जाई। सिंदूर जब से मांग से हमरे उजड़ल, सुहाग के हमरे भगवान छीन लन, तोने पर तक जर मर के जिंदगी बिता लेनी। राजू कहता है कि नहीं रे माँ, जब ले यह धरती पर जिंदा रहब तो हर बेटा बन के तोहरे चरण में रहब। राजू गैलन सीमा पर अपन ड्यूटी पूरा करे लगलन। कुछ दिन के बाद जाके कलन की ए साहब, बड़ा भयानक भयानक राती में सपना आवत बा, मन ना लगत बा हमरे माई के घर में खाए बदे कुछो ना रख ले रही, टूटही मड़ई आ लगत बा हमरे माई पर कोनो आपत्ति विपत्ति आइल बा। साहब से छुट्टी लेके राजू जब घरे आइल, टूटी हो झोपड़ी से घर द्वार बनवौलस। माई कहली कि ये लाल, दुई महीना बदे न आइल हुआ, तू तो चल जी बना, लेकिन तोहरे बदे एक गरीब के लड़की है, वही के देख ले ही, और वो गरीब बाप से हम वचन देले ही कि हमार बेटा जब वापस आई घरे तो तोहरे लड़की के अपने घर के बहू बनाई। तो गौर करेंगे बाबूजी, अरे पिता है कुछ दिन राजू का, अरे पिता है कुछ दिन राजू का, तो रे पपजी सहन आई है, सज गया माधुरी से रिश्ता सच करके दुल्हन आई है, आया पसंद है बगिया में, अरे आया पसंद है बगिया में, यार माँ का फूल एक खिल गया, मुस्कुराते हुए मरुस्थल में मधुकर को शरम मिल गया। आया है, अरे माधुरी जब दुल्ही बन के आई राजू के घरे, पहले रतिया में भगवान सुन ले ला, यही आंचल में एक फूल खिले लगल, मतलब फूल के मतलब इन्हें ना मालूम है। बड़ा सोचे वाली बात है कि लोगों बाल बच्चे दार वाले हूँ। गौर करेंगे बाबूजी, आज वही फूल खेले लगल हो भैया, एक दिन राती में टेलीफोन के घंटी गनगना था, माधुरी फोन उठवलस, ओने से आवाज आवत बा, लेकिन एने से माधुरी झरझर झरझर रोत बा। राजू समझ गई, जहाँ के फोनवा लेके सुनलन कलन की साहब, बस सवेरे हम यहाँ से तैयारी बना के निकल दे थी। राती के समझावे लगल के रे पगली, हम देश के सेवा करे वाला है, और तोके तब विश्वास होके के चाहिए, भरोसा होके के चाहिए, अरे जब तू इतने रोवे लगबू तो हमार का हुई जात है। माई के अपने माई से बढ़ के मनिहा, ये धरती पर हमारे माई के अलावा और कुछ ना है। नौजवान उधर जाके ड्यूटी पर तैनात हो गया, ए हर घर 9 महीना वाला दिन पूरा भइल है भैया। आज जब 9 महीना वाला दिन पूरा भइल, लगल माधुरी के पीरा होके, माई पतो नहीं अपन बेटी माने बेटी ले जाके हॉस्पिटल में भर्ती कही नहीं, तब भइल का बिरहा निकलन तरह जमास्टर। ए गीत के हमरे गुरु जी बुल्लू गुरु गावा, देखा जवाज तो हूँ गवले हुआ, हम हूँ देखा गावो थी, तनी सा ध्यान दिया तो अरे बदे है का। पिया मोरे कुंवरा कन्हैया, अरे पिया मोरे कुंवरा कन्हैया हो बोलावेलन बसुरिया बजाई के,
माधुरी हॉस्पिटल में भर्ती भइल बेटवा पैदा भइलन तो वो समय के बाद कवि जी लिखत हुन कि आखिर जन्म कुंडली देख लड़का के नाम पंडित जी रखत हुन का रखलन कि सुंदर भइल नीरज ललनावा अरे सुंदर भइल नीरज ललनावा हो अगनवा अजोरी कैले बाबूजी रखलन आज जब नीरज बेटवा घर में अइलन तो घर आंगन चहल पहल हो गई। माई बुढ़िया अपने पतो माधुरी से कहली कि ये बेटी एगो और हमार बेटा है कानपुर में डॉक्टर है आ तोरे लड़का के लेके हम जात ही कानपुर में देखी ला कि राम हमें पहचाने ला कि नहीं। आखिर बुढ़िया माई कैले बे का कैलस गुमत पीरा तमुन कर बंगला पे गईली पुकार बंदना मिला गई तो हम भी खारन आईली यक जननवा अरे तो हम भी खारन आईली यक जननवा हो अगनवा अजोर कैले बाबूजी आए है कानपुर में पहुंचल बाड़ी राम डॉक्टर के पता पूछत ए बाबू दुवरिया पर बुढ़िया माई गईल हो लगल दरवाजा पीठे एहर बंदना निकल के आईल कलस की तू के हो कहां से आईल हो। बुढ़िया माई कली की ए बेटी ई राम डॉक्टर के घर है ना हम उनकर माई है तनी हमरे बचवा से भेंट करा दे तू। आए हाय बाबूजी एहर बंदना जाके राम से कहे लगल एगो भीख मांगे वाली है बतावत में कि राम के माई है। अरे वो भिखारन तोहर माई कैसे हो सकेले। आए हाय बाबूजी देखा हो भैया माई 9 महीना गर्भ में ढोलस लकड़ी के काट काट के अपने 3-3, 4-4 दिन उपास रह के डॉक्टर बनौलस। आज बेटावा जब डॉक्टर बन गई बा तो ओकर मेरारू भिखारन बनावत बे आ राम सुनत बा माई कहलस की जा हो राम ए लाल तो से ई उम्मीद ना रखले रही कि तोरी दुआरी आके हम भिखारन बनब। जा ए बेटा जा हम तो जनी कि हमार बेटा हमार जिंदगी पार लगा दी लेकिन ए लाल ई मत समझिए रे राम कि तोरे दुआरी पर हम रुपया बदे आई नहीं तोरे दौलत में बटावे बदे आई नहीं। अरे पैदा कैले रही ना माई के ममता ना मानल ना यही बदे हम आईल रही ओ लाल लेकिन एक बात सुन ले बुढ़िया माई कहले बे का कहले बे मास्टर यह बुढ़िया माई कहत दी हल जन्म महावीर था पहला लाला ना वो दी हल जन्म महावीर था कैला ला 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 वा हो माई रोवेली ना तू धार दी तोहरी दुआरिया के भैनी भिख मंगनिया हो तोहरी दुआरिया के भैनी भिख मंगनिया हो भूल गइल माई के प्यार हो
अतने नाये बाबू एक बात और कह ले बे माई, जननी हमारे राम राम जैसन होई बाबू, जननी हमारे राम राम जैसन होई बाबू, नैया लगई पाथे के पारो, जब राम के काने कन गईल त राम सोचे लगल कि लगत बा कोनो मरे जी के पहले पैसा ना हा, एही से आके हमरे दरवाजे रोवत है। आज जब दरवाजा खोल के निकलन ए बाबू, बुढ़िया माई रोवत रोवत आस हो गए, निराश हो गए, द्वार से लौटे लगली छोटका लड़का नाती नीरज, कहत बा कि अरे दादी माँ, किस राम के तू आवाज लगा रही है, किस राम के तू कभी से बुला रही है, तेरा राम अब आने वाला नहीं है माँ, चल दादी माँ चल हम लोग अपने घर लौट चले। माई रोवत रोवत कुछ दूर चल गई रही, जब दरवाजा के आहट पौरी हो भैया तो आया है राम सुन कड़ू रुदन, आया है राम सुन कड़ू रुदन, आंसू की धारा फूट गई, एक लाल बिनायल लाल तू मेरे तेरी माँ की बाहें टूट गई, यह नीरज तेरा बेटा है, यह नीरज तेरा बेटा है, मेरे ख्वाहिश इसे पढ़ा देना, तो भाई के बीच में एक बेटा है तू डॉक्टर इसे बना देना। राम आके माई के कवारी में धक के लगल माफी मांगे, कला माई माफ कर दा, पूछे लगल कि रे माई हाई के कर लेकर ले ले बाड़ू ई के हो, माई कलस की जवन छोटका बाबू राजू तो के पढ़ावे बदे जंगल से लकड़िया काट काट के ले आवे बजरिया में बेचे, वही के लड़का है वो तो फौजी हो गिल ना, ए बेटा जिंदगी में तो से कबो कुछ मंगले ना है, लेकिन आज आज तो से मांगत बानी, जैसे हम तो के पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनौनी वही तरह लड़का के तू डॉक्टर बना दिया, अरे दू गो भाई के बीच में इहे न एगो बेटा बा। माई नीरज के कानपुर में छोड़ के वापस आ गई घर पर, धीरे धीरे चार छह महीना के दिन बीत गिल, राम स्कूल में नाम लिखौलन ट्यूशन लगौलन, राम के दिल में बड़ा खुशी हो, लेकिन एक आदमी बड़ा दुखी थो, वंदना न खा थे न पियत थे, जाकर नौकरानी खबर देनी कि डॉक्टर साहब डॉक्टराइन खात पियत ना है, ऐलन कलन के रे वंदना हमारे घर में कोने चीज के तो एक कमी भई, कहे कमी जानल चाहत हुआ, हमारे दिल के दर्द जानल चाहत हुआ ना, तो कान खोल के सुन ला, ए घर में अगर ये लड़का रह गई तो हम तुहार घर छोड़ के चल जी, कल अरे पगली ई लड़का से तो के एलर्जी का हो, आखिर माई दे के गई की पढ़ा लिखा के डॉक्टर बना दिया, माई का कही हे लोगन के सामने का मुंह दिखाई, हमार भाई का कही कलस की बड़ा इज्जतदार बने हुआ ना, इज्जत बचावल चाहत हुआ ना, तो आ डॉक्टर बाबू कान खोल के सुन ला, डॉक्टर तू खुदे हुआ लगा दे कोनो जहर के सुई, छिपले पोल रह जी, आय हाय बाबू जी आप लोगों ने अपने कलेजे पर हाथ रख के सोचा हो भैया, मेहरारू के बाद सुन के राम के कलेजा कांप उठा, नहीं रे वंदना ये हमार भाई के बेटा है, ओ भाई के संगे हम कबो गद्दारी ना करत कि जे अपने ना खाए हमें खियावे, कलस की ना करबाना तो आज के बाद यही के लेके रही है। रात के बेला बा वंदना कटोरी में तेल लेके गई, ये मेहरारू उनके बहुत बड़ हथियार होला, हथियार हाँ मर्दन के मनावे बहुत अच्छी तरह से जाने नी, लगल पैर दबावे अतना उन्हें तेल के मथवन दे दिलस, देखा जब आज अतना तेल के मथवन दे दिलस, लगला भिंडे बोले कि लगे कि मालूम पड़े तोरे जैसा अलवात भैंस बनल हूं, लगल मालिश करे, कहे जानत हुआ हम अपने बदे ना कहती कि तोहरे बदे कहती, हमार तो कहीं बीत जाई, लेकिन सुना भाई के बेटा है ना कब गद्दारी कदी कोनो ठीक ना, अतना इसको रूप कसलस के लगलन एकदम ओकरे बात में पागल होके घूमे, कलम कि तू ही हमार जिंदगी के सब कुछ हो, देखा जवाज यही से कहल जरा
कि मेहरानू से बड़ा सजग रहे के चाहिए। आ वो ईद के इतना चढ़ा देलोस कि लगा था कि चारों धाम वही घरे में उन्हें मिलल है। इतना चढ़ा देलस, इतना चढ़ा देलस कि मेहरारू के बात में पड़ गया राम। गलत रास्ते पर राम के सही निगाह जाए लगल हो भैया। अब यही से कहानी थोड़ा हमार मोड़ लेलस विदेशिया के अंदर भावे मास्टर। आया क्या करे पर विश्वास करवा हो बाबू। बड़का भैया राम अब भाभी, राम जैसन भाई और सीता जैसन भौजी करत हुन एक छोट बच्चा के साथे का कैलन। अरे धानवा के लोभी पापिन, अरे पापिन रामोहिया हो, असुतले में सिसी आसू घाई दिहले बाबू। बाजावा बजिनिया दोनों आ नीरज सुगनावा के, आ जहरा के सुइला गाई दिहले बाबू। माई मधुरी गोदिया के आए कही हीरा मोती रहलान, आ वही सुंदर लाल के मुंह वाई दिहले बाबू। ओहर अस्पतालावा में आ राजू भैया भर्ती रहले, आ मुवल के खबर भेजा वागी दिहाले बाबू। आय हाय बाबू, छोटका बाबू नीरज जब ट्यूशन पढ़ के आई लो, देख पपिनिया अपने हाथे कपारे पे तेल रखलस, बचवा के दूध रोटी खियोलस। आज जब लड़का नींद में भइल हो भैया, दोनों पापी और पापिन मिलके पहले जहर के सीसी बेहोश होके वाली नागिक अंश घोलन, जहर के इंजेक्शन लगा देलन। रात भर में जहर के बीस शरीर के अंग अंग में भींग गई। आय आय, अरे सूरज जैसा लड़का हो बाबू, सूरज जैसा लड़का के चेहरा चमकत रहल, शरीरिया पूरा काला हो गई। बचवा ये दुनिया के छोड़ बसलन, दोनों पपिया पपिनिया ढोंग मचा के रोवत हुन की देखा हो भैया, कहा था मरे बाबू के काट देलस हमार बेटा मर गईलन। एहर के बाद छोड़ दे बाबू, ओ धर नौजवान राजू जम्मू कश्मीर में नौठे साथियन के लेके सीमा पत्ता ना था बाबू, दुश्मन के बम आईल शरीर के छेदत निकल गिल। राजू अतने बुरी तरह से घायल हुआ कि नौठे नौजवानन के ले आके श्रीनगर में लोग भर्ती करत हुआ। आय हाय, यही से देख के कवि जी टेरी के अंदर कितना बढ़िया बात निकले हुआ। अरे मयंक में जमा धुरता ना रही, अरे मयंक में जमा धुरता ना रही, चांदनी चमकी ना ही मिट जाई हाँ सुंदरता रे, सुंदरता रे सुना। राजू भारती है श्रीनगर में, एक डॉक्टर से बात कर रहा है बाबू। कहता है डॉक्टर साहब, हमरो भैया बड़का भैया राम कानपुर में डॉक्टर हुआ, अगर हमरे भैया को कोई बुला देत ना तो हमर भैया हमके बचा लेतन। आ तबले राम के टेलीफोन राजू के पास गईल बा। आज जब राम के टेलीफोन राजू के पास गईल तो एक नौजवान भागते हुए आता है, कहता है कि अरे राजू बहुत बड़ किस्मत वाला है रे भैया, जो ने भैया के इंतजार करत रहले ना उहे तोर भैया फोन कइले बा। फोनवा लेके राजू रोवत बा कि भैया हो, लगत बा कि जन्म जन्म के साथ अब तो से छूट जी। ए भैया अब बचे को उम्मीद ना है, अब हमें कोनो बात के चिंता ना है, दिल इहे कहत बा कि एक बार तू हमरे सामने चलबा, हम तो के सीने से लगा ली, बहुत दिन हो गिल बा ना अपने सीने से लगवले, एक बार तोरे सीने से लग जाती तोहर हाथ ये कपार पर हमर बाल सहला दे, मर भी जाती तो कोनो चिंता ना रहत।
अतना बात राजू फोनवा पता कहबे कैल, तब तक से राम डांट दिया, आ राजू बंद कर तू अपना बकवास, सुन ये बकवास सुने बदे हम टेलीफोन ना कैले ही, सुनले चाहत हुए ना तो तोर बेटवा के मुंह लास एक कानपुर में रखल बा, अगर अपन बेटवा के मुंह मुंह देखल चाहत होबे तया के कानपुर में देख ले। राजू रोवे लगल कि ना हो भैया ना, अतना बड़ मजाक हमारे संगे मत कर भैया, हम मजाक करे लायक ना रह गेल ही, अतना कह के राम तो फोनवा रख देलस, लेकिन राजू रो के एक बात कहलस पापड़ के अंदर भाभी मास्टर, बम विस्फोट से घायल किए अरे मुदैया भैया राजू के, श्रीनगर में हो तबा दवैया भैया राजू के, आय हाय बाबूजी राजू रोवत बा, हमारे देश के महान नेता चार जवानी निर्मल चंद महान, ऐसे ऐसे लोग आते हैं कहते हैं कि शाबाश बेटा शाबाश, तूने देश के लिए अपना जान दे रहा है, मांग ले। राजू इशारा देकर बुलाता है, कहता है साहब सुनिए आप देना चाहते हैं ना, तो ए साहब हमें धन दौलत ना चाहिए हो साहब, रुपया ना चाहिए हो साहब, अगर दिहले चाहत हो तो एक काम हमरे बदे कर देता, यह कहलन का कहलन रोके राजू कहलन सबसे एक ही मोरी लाला नवा हो, अमुअल बेटे की लसिया देखती हम भर नया नवा हो, देखे कपानवा कोई रे देती बिदैया भैया राजू के, आयो सनिया गिल देखे के अरे समैया भैया राजू के, ए साहब दन दौलत रुपया पैसा ना चाहिए, दियल चाहत हुआ ना एक खेठे बेटा वा रहल, ए साहब हमर बेटा दुनिया में ना रहल, कानपुर में हमारे बेटवा के लाश बा मंगा देता, भर नजर दे के वो कफन दे के विदाई कर देती, ये हमारे लिए दौलत हुई। आय हाय बाबूजी अतना बतिया, जब तीनों नेता लोगन सुनलन फौज के जवान सुनलन, हे बाबू सबकर अखिया सावन भादो बन गिल, आ रो के एक के बात लोग कहलस अल्लाह के अंदर भाव है मास्टर, अरे जैसे राम रोवत रहला अरे लेके लाछु मन के बाबू, लाछु मन के जहाँ दिन लागल रहे सकती आंसू के सगड़वा उमड़ती रहे नवा में बाबू, लखन जी के जाना मां बचवले हानू, ओइ सर जार जब साहब आटा वाली रोगी दिहला गे बाबू, उड़ल पाया कासा वाम कानपुर से आई ललसिया नीरज सुगना के आगे बाबू, करे लगल डॉक्टर साहब मिल के पाहा, गहन जाचो हो खेला गल नीरज सुगना के आगे बाबू, दुखामा में बाटे सबई सेना के,
हाय बाबूजी। सेना के विमान जहाज गईल कानपुर से लाश श्रीनगर में आई बा आए है। आज अब श्रीनगर में आई ले बाबू दो चार दस डॉक्टर बैठ के आपस में बात करत रहलन, चर्चा के विषय रहल कि राजू फौजी के बेटवा के लाश आवत बा चुकी, ओकरे पर भगवान एक गो तो बेटे देले रहलन। लोग आवाज देलन डॉक्टर साहब कि आए जवान लाश के ले आवत तनी हमनो के देखे के कि लड़का मौत से मरल है कि कुछ कारण है। चादर के हटा के देखलन पहचान के लिए आपस में लोग मीटिंग कैलन। अब मीटिंग करके एक काम कैलन, अरे कुछ नौ जवान कुछ अधिकारी, अरे कुछ नौ जवान कुछ अधिकारी डॉक्टर के कक्ष में आए हैं, सेना के सरकारी से कुछ गुप्त बात बतलाए हैं, अरे बालक के जहर के ज्वाला से, अरे बालक के जहर के ज्वाला से विपदा में डूबा परिंदा है, अरे मर्जी है खुदा की बचा लेंगे, अभी मरा नहीं है जिंदा है। बेटे के जुरू में हो कर कैद, अरे बेटे के जुरू में हो कर कैद वो राजू के पास आया है, झुक गई है गर्दन जान इनका वो गुनहगार शर्माया है। अरे भैया मेरे दौलत खातिर, अरे भैया मेरे दौलत खातिर नफरत की आग लगा दिया, तू भाई होकर तू भाई मेरे तू भाई पर खंजर चला दिया। लोग पहचान के लिए बाबू जांच रूम में लाश रख दी हल गई। नेताजी की बुलावल गई, कलर साहब ये लड़का 24 घंटा पहले जहर के कारण मारल गई बा, उम्मीद विश्वास है कि हमें कुछ समय दिहल जा तो लड़का के जिंदा आपके सामने हम खड़ा कर दे। आए हाय बाबूजी, यह डॉक्टर लोगन जांच में लपटा लोगन राजू रोवत रोवत पागल हो गए। कलश नेताजी हमारे बेटावा के लाश आई रहल है, नौजवान लोग दफन कर दिलन, हमारे बेटावा के लाश ना देखौलन। नौजवान रोते रोते पागल हो चुका था, लेकिन इधर देखिए बाबूजी, बाहर डॉक्टर साहब एक कलयुग में दूसरा स्थान भगवान के डॉक्टर लोगन के दिहल गई। डॉक्टर साहब नीरज मुन्ना के जी वही जूत कैले हुन खड़ा भइल हा, कलंक के बेटा तोहर बाबू कबे से तोहर इंतजार करत बा। नीरज जब अपने पापा के सामने गई अकवारी में धा के राजू रोवे लगल, सारा बात राजू के मालूम भइल कि ऐसा ऐसा घटना हमारे भाई हमारे संगे खुद कैले हुन। यहाँ राम और वंदना के कानपुर से हथकड़ी लगा के लोग ले आई। नौजवान कलंक, अरे राम तू एक भाई था तेरे, अरे कैसन घिनौना काम कैले रे, ऐसन काम करे में तू सोचले काहे ना। जे वही राजू के सामने राम पड़ल है बाबू, शर्म के मारे राम के सर नीचे हो गिल। राजू कलश के भैया कवन गलती कैले रही हो, अगर दुश्मनी हमसे रहल तो दुश्मनी हमसे सधले होता है। लड़का का कैले रहल, अरे उस दिन भुला गईला तोहरा बदे हम का ना कहनी, आजू भाई के तू बुला के अतना बड़ गद्दारी हमरे संग कर देला। तबले एक नौजवान आवाज दिया कि नहीं राजू फौजी, ये दोनों पापी और पापिन माफ करे लायक काम ना कहनी हुन, बंद करवा दे जेल में, दोनों सड़ के मर जाएंगे। आए हाय हाथ में हथकड़ी लगल है, नीरज राजू के पल्ले खड़ा है। आज जब जेल के आवाज सुनल सो बाबू तो दौड़ के जाके राजू के कवरिया में धा के कलश की पप्पा है, माई के हाथ में हथकड़ी है, बड़का पप्पा के हाथ में हथकड़ी, काहे बदे है लोगन काहे बदे कहत हुन जेले भेजे के। आए हाय वो लड़का रो के कहले बाका खड़ी के अंदर भाव है मास्टर। काहे डॉक्टर बाबू, अरे जय हर जहल खानवा बाबू जी, कवने कारणी हो भैला दुश्मनवा बाबू जी, हमके भोजनवा कराव बड़ की माई, आइन के ही हमार रह के करत रही हम पढ़ाई, बाबू बिना सुन हुई हम और गुनवा बाबू जी। आए हाय ए पापा जौन माई पैदा कैलसो
उतना प्यार मोहब्बत ना दिल हुई जितना ही बड़की माई दा। अब बड़का पापा ना तो से ज्यादा माना। राजू कलश कह रहे बेटा सभी कहिए के कहा कहलन की जर के सुई लगा के तुके मार देलन। अभी माफ करे वाला काम ना कहले हुन इन्हें जेल में जाही के होई। नीरज कहता है ठीक है पापा बंद करवा दीजिए जेल में, लेकिन एक बात सुन लीजिए, अगर भगवान के घर में लिखल रहत कि नहीं हमें मरे के हो तो तू तोहर डॉक्टर हमें बचौले होतन। अगर इन्हीं के हाथ हमार मौत लिखल होई तो तू का घड़ी हमें बचा सकेला। वो लड़का एक है बहुत कीमती बात कहलस का कहलस कुछ नहीं खन कहले इनकर संगवा हम हो जाइब अरे चाहे हमरा के फिर भी हम आई बिहारम छाती रोवा राम धाई चरणवा बाबूजी केवल कारणी हो भैला दुश्मनवा बाबूजी आए हाय बाबूजी जा के राम राजू का पैर पकड़ के रोने लगा कि माफ कर दे रे भैया जो कुछ भी कहनी है मेहरारू के बाद में पढ़ के कहनी। आए बंदना तुम औरत नहीं हो तुम तो नागन हो निकल जा हमरा जिंदगी से। बंदना रोवे लगल जा के राजू के पैर वहां पकड़ ले कि अब तोरे हाथ में मर जिंदगी आओ। राजू कहता है कि भैया हेमे भाभी के कौन गलती है बाबूजी के मत बोला। इतना ही कह के राजू बेहोश हो जाता है बाबूजी। राम किसी तरह से श्रीनगर से छुट्टी लिवा कर कानपुर में अइलन। माई के बोलौलन माधुरी के बोलौलन अब बुला के लगलन वही कानपुर में रखे ये बाबू। यही से हमरे बिरहा के शीर्षक रहे गद्दार और वफादार भाई अस ही न भाई अस दुश्मन। आखिरी पद में भाव है मास्टर गुरपतु गुर छाय पर कहे पतझड़ में फूल खिल गई लन काशी बुल्लू सुखनंदन अरे राजू से राम मिल गई लन मयंक में जमा धुरता ना रही रजनी कभी जोखन के किमती बामा न होता मयंक में जम